नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आप सभी का इजी एजुकेशन आरके में स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे आज एनम नॉट मील। आपने सुना होगा समुद्र की माप किस लंबाई में की जाती है, तो उसे नॉट मील बोलते हैं। तो नॉट मील की माप क्या होती है, उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि नॉट मील जो होता है वो एक नॉट मील, एक एनम बराबर होता है 1.8 किलोमीटर, पहली बात। दूसरी चीज कि आखिर ये नॉट मील के बाद भारत में जो माप दी गई है इसकी वो किस प्रकार है। तो आपको देखो डायग्राम में हम क्या करते हैं, पूरा वही हिस्सा बनाते हैं जहां पे समुद्री सीमा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये मान लिया कि ये हमारी समुद्री सीमा है और यही कार्यरत है। तो समुद्र सीमा में हमने क्या देखा कि गुजरात से लेके और यहाँ पश्चिम बंगाल तक, ये अपनी समुद्री सीमा बनती है। तो इसमें आखिर अपना कितना जोन है कि कहाँ से कहाँ तक की लंबाई में क्या होता है, हम अधिकतम दूरी कहाँ तक जा सकते हैं। भाई पहले ऐसा हुआ जो शक्तिशाली देश थे उन्होंने क्या किया कि जो शक्तिशाली है उसने बहुत सारा समंदर कब्जा करने की कोशिश किया कि यहाँ से यहाँ तक मेरी लंबाई है और यहाँ आप नहीं आ सकते। तो इसके लिए यूएनओ ने, यूएनओ नाम तो सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ने एक बॉन्ड लगाया 1982 में, एक बैठक हुई जिसमें गठन किया गया कि समुद्री संधि के रूप में, समुद्री संधि हुई, उस संधि को नाम क्या दिया गया। यूएनओ द्वारा बैठक हुई थी, ये विश्व स्तरीय बैठक थी, UNCLO 1982। इसका मतलब था, यूएन का तो मतलब यूनाइटेड नेशन आप जानते हैं, इसका मतलब था कॉन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी, यूएन, यूनाइटेड नेशन, पता ही है आपको। तो ये इसकी एक संधि थी। तो ये संधि थी कॉन्वेंशंस ऑफ लॉ ऑफ सी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा समुद्र सीमा का जो एक नियमित नियम थे वो नियम तय किए गए कि आप फिर आखिर आपको क्या नियम मानने हैं कि आप कहां से कहां तक आपका क्षेत्राधिकार होगा। तो इसमें तीन मापे रखी गई, जिसमें पहली माप थी 12 नॉट मील, दूसरी माप थी 24 नॉट मील, तीसरी माप थी 200 नॉट मील। अच्छा, ये जोन जो था ये 12 नॉट मील वाला था, 12 नॉट मील, ये जोन था ये था 24 नॉट मील, और तीसरा जोन जो था ये था 200 नॉट मील। अब इन तीनों क्षेत्रों का अलग-अलग काम था। इधर लिखते हैं कि जो 12 नॉट मील था इसको क्या बोला जाता था, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था, तो इस क्षेत्र को टेरिटोरियल जोन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, टेरिटोरियल जोन। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे हिंदी में बोलते हैं समुद्रिक सीमा क्षेत्र, इसे हिंदी में बोलते हैं समुद्रिक सीमा क्षेत्र। अच्छा भाई, ये तो हो गया, इतनी बात तो जान गए कि 12 नॉट मील टेरिटोरियल जोन है, समुद्रिक सीमा क्षेत्र है,
आखिर इसका कार्य क्या कि इस जोन में आप क्या कर सकते हैं, यूएनए द्वारा नियम क्या रखा गया कि आखिर इस जोन में आप क्या कर सकते हैं। तो इस जोन में आप तो इस जोन में आपका देश का पूर्ण अधिकार होगा, देश का संपूर्ण अधिकार। मतलब ये जोन है ये आपका है, किसी भी देश के 12 नॉट मील तक वो उस देश का संपूर्ण अधिकार होगा उस समंदर पे। उसके बाद नंबर आया 24 नॉट मील। तो भाई 24 नॉट मील क्या है, इसे क्या बोला गया, दिस इज जोन जोन। अब भाई ये क्या था, अग्नि क्षेत्र। अब ये संलग्न क्षेत्र में क्या काम था भाई, तो संलग्न क्षेत्र में जो था वो एक नंबर तो था एक्साइज कॉन्स्टेबल, आपने सुना होगा एक्साइज कॉन्स्टेबल का मतलब होता है कि सीमा शुल्क वसूली, सीमा शुल्क वसूली। यहां सीमा शुल्क यहां तक वसूला जाता था कि किसी अन्य देश का जहाज यदि यहां आता है तो उससे सीमा शुल्क लिया जाएगा। दूसरा सफाई नियंत्रक, प्रदूषण रहित क्षेत्र। मतलब कोई भी देश 12 नॉट मील 24 नॉट मील तक जाके सफाई कर सकता था, वो उसका जोन था, वहां तक वो सीमा शुल्क वसूल सकता था। तो पहला तो हो गया 12 नॉट मील, दूसरा हो गया 24 नॉट मील। अब आगे बचता है आपका 200 नॉट मील। ये 200 नॉट मील क्या था, तो 200 नॉट मील को आप बोलते हैं इकोनॉमिक जोन। हिंदी में क्या कहते हैं, अनन्य अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब भाई इस क्षेत्र का क्या काम था, तो इस क्षेत्र का काम यह था कि एक नंबर पे तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र अधिकार कि वैज्ञानिकों के लिए यहां शोधन के लिए कि यहां वैज्ञानिक शोधन कर रहे हैं तो उसके लिए क्षेत्र बनाया गया। दूसरा कि यहां पे कृत्रिम द्वीप, कृत्रिम द्वीप क्षेत्र कि कोई भी देश 200 नॉट मील तक, यहां तक दिख रहा है कि कोई भी क्षेत्र 200 नॉट मील तक जाकर के एक अपना द्वीप बना सकता है। और उस द्वीप को जैसे बहुत सारे ऐसे कृत्रिम द्वीप हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे ये सब कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी हम पढ़ा चुके हैं, और ये जोन ये मन्नार की खाड़ी, यहाँ तो लंका है नीचे, ठीक है, तो ये मन्नार की खाड़ी, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी पड़ती है इधर, तो ये सारी चीज़ें। इसमें क्या होता है कि यहाँ जैसे पम्बन द्वीप है, उसमें क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि एक द्वीप इधर भी पड़ता है उड़ीसा में, APJ अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप, और यहाँ चांदीपुर, सतीश धवन कोटा भी यहीं स्थित है, ठीक है। तो ऐसे सारे द्वीप की काफ़ी कुछ क्या करे कि कोई भी देश की नेवी, कोई भी देश की नेवी इसको क्या कर सकती, बढ़ा सकती, यहाँ पे कृत्रिम द्वीप बना सकती, अपना ट्रेनिंग सेंटर बना सकती, कहाँ तक, 200 नॉट मील तक। तो आप ये जान पाए होंगे कि ये जो क्षेत्र हैं, पहली बात तो नॉट मील क्या है, तो नॉट मील जो है वो एक नॉट मील बराबर होते हैं 1.8 किलोमीटर, और इनके कार्य क्या हैं, और यूएनओ ने इसे कब बांटा था, 1920
82 में, ठीक है। तो इसमें कितने जोन में, तीन जोन में बांटा हुआ था, 12, 24, 212 में क्या था, 12 में देश का पूर्ण अधिकार, वो देश की सीमा है, उसके अंदर कोई अन्य देश दखल नहीं कर सकता। दूसरा क्या था, 24 नॉट मिल, 24 नॉट मिल में क्या था कि कोई भी देश वहां से सीमा शुल्क वसूलेगा और क्या करेगा, सफाई नियंत्रण कर सकता है। चौथा क्या था आपका, चौथा था अनन्य आर्थिक क्षेत्र, उस क्षेत्र में क्या किया जा सकता है कि कोई भी, वो वैज्ञानिक का क्षेत्र, मतलब वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वो क्षेत्र है, और आप अगर कोई कृत्रिम द्वीप बनाना चाहते हैं तो वहां कृत्रिम द्वीप बना सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अब तो उम्मीद करते हैं कि नॉट मिल से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।